नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सऊदी अरब के प्रिंस पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान के दौरे पर गए, वे आज भारत पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो पहले जहां अमेरिका व अन्य देश भारत व पाकिस्तान के बीच समझौता करवाने का प्रयास करते थे, वहीं अब वह सभी देश अपने आप को अलग किए हुए हैं। पाकिस्तान की आस केवल अब सऊदी अरब पर ही है। क्या ऐसा होगा, यह तो अगला समय ही बताएगा, लेकिन इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, यह सुने। इस वक्त इंडिया में पुलवामा हुआ है तो टेंशन बहुत बढ़ी हुई है, उनका इलेक्शन है और उनका मीडिया और वो सारा इतना ज्यादा जहर आलूद हो गया है कि ये हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पे कि जब इंडिया की तरफ से दोबारा ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसे मौके पे इत्तेफाकन ये पहले से ही शेड्यूल्ड था, तो ये इनका इस वक्त आने से थोड़ा सा पाकिस्तान को तो सहारा मिला है। दूसरा, अफगानिस्तान जो है गामजन है अपने शायद पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ, और वहाँ पे अभी थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग हुई है कि तालिबान ने अपनी वक्ती तौर पे अपने आप को पुल आउट किया है बातचीत से अमेरिका के साथ। मगर बहरहाल अफगानिस्तान एक बड़े डिसाइसिव फेज में है जहाँ उसके परमानेंट हल का एक का इम्कान बढ़ा हुआ है। सो अफगानिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बुरी खबरें हैं। बुरी खबर यह है कि ईरान के साथ भी हमारी इंडिया के साथ तो टेंशन चल रही है, बट साथ में इत्तेफाकन जो है ईरान की तरफ से भी उनके यहाँ जो बस के ऊपर रेवोल्यूशनरी गार्ड की बस के ऊपर जो धमाका हुआ, 27 लोग मारे गए, तो उनकी तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया, जिसके मुकाबले में आज हमारे पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उतना ही बराबर का जो है ना एक रिएक्शन दिया, जिससे ईरान से भी टेंशन बढ़ रही है। तो इन हालात में ये सऊदी विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के लिए है। सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सुल्तान के आने की जो है ना वो उसके सफारती वजूहात भी हैं, सियासी वजूहात भी हैं और इक्तसादी भी हैं। सफारती ये है कि इस्माइल ये जमाल खशोगजी के बाकी बाद थोड़ा सा सऊदी अरेबिया बैक डिफेंसिव पे चला गया था और डिप्लोमेटिक थोड़ी सी आइसोलेशन शिकार था, जिसके अंदर 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई और पहली दफा इस तरह का प्रोटोकॉल किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिला। इंदिरा गांधी उससे पहले गई हुई थी, उससे पहले कोई नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिसके बाद से हमारी और सऊदी अरेबिया का ये कहा जा रहा था थोड़ी सी इंडिया के मुकाबले पे हमें कम तल्लुकात थोड़े से हो गए, या इंडिया को लेट से कि पहले के मुकाबले में ज्यादा इज्जत अफजाई मिलना शुरू हो गई थी। ऑफ कोर्स इससे वो वाला बैलेंस हो गया, मगर उन्होंने जाहिर है इंडिया के साथ भी वहां 30 लाख इंडियंस अभी भी सऊदी अरेबिया में हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं और उन्होंने सारी दुनिया को लेके चलना है तो वहां जाएंगे, मगर ये थोड़ा सा उससे बैलेंस हो गया उनके यहाँ आने से। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब यहाँ पर भी उनके डिफेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, वो खित्ते के अमन के ऊपर बात कर रहे थे। अब जब सऊदीया के विजिटर्स वहां पे जाएंगे, सऊदी प्रिंस वहां पे जाएंगे, तो जो टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच है वो कितनी कम हो सकती है इस दौरे? इस वक्त अगर कोई उम्मीद है ना कि खित्ता जंग से बच सकता है, पाकिस्तान में तो सागर बिजनेस एज यूजुअल है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन चैनल नहीं देखे जाते ना अखबारात पढ़े जाते हैं, तो वहां पे तो जो मुझे हमने देखा है और थोड़ा सा पढ़ा भी है, वहां तो वो लगता है वो कहते हैं ड्रम्स ऑफ वॉर्स जो है ना वो बजना शुरू हो गए वहां पे। तो इस वक्त कोई उम्मीद है? पहले क्या होता था जो पाकिस्तान के लिए इट शुड बी बिट काज ऑफ वरी, या तो दुनिया ने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया कि इंडिया जाने पाकिस्तान जाने, ये ठीक नहीं हो सकते, ये जाने आपस में जो चाहते हैं कर लें एक दूसरे को। अदरवाइज माजी में क्या होता था, इस तरह के वाकयात होते थे, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ या वहां पे एक और दो उनके वहां पे आपको याद है मम्बे वगैरह हुआ, तो फौरी तौर पर अमेरिकन अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं आता था तो उनका असिस्टेंट कोई आ जाता था वहां से, कोई आपका अमेरिका सॉरी ब्रिटेन से कोई उनका आ जाता था, या यूरोपियन यूनियन का आ जाता था, चाइना के कहीं से हम सुन लेते थे, सऊदी से आ जाते थे माजी में। बल्कि मुझे याद है 2008 के मम्बे अटैक्स के बाद अगेन ऑलमोस्ट जो ये सिचुएशन थी इतनी ही बल्कि इससे ज्यादा मेरा घर वोलेटाइल थी, उस वक्त भी आके सऊदी अरेबिया की जो मुझे याद पड़ता है ये दरमियान में पड़े थे और इन्होंने कुछ इन्होंने अश्योरेंसेस करवाई थी, अमेरिका भी दरमियान में था कि पाकिस्तान जो है मम्बे के जो हमारे उनके ख्याल में जो या मुलजिम यहां से गए थे वो जो पकड़े भी गए थे बाद में, मुझे याद तारिक खोसा साहब वगैरह ने पकड़े थे यहां पे FIA ने, तो वो ये चाहते थे ठीक है जी आप जंग तक ना जाए, आप हमें एविडेंसेस दें और पाकिस्तान उनका ट्रायल करेगा। ये एक मेन थी जिसकी वजह से जंग उस वक्त टल गई थी और उन्होंने उसको भी सक्सेसफुली वहां पे इसको सेल कर लिया था। अब तक जो हम देख रहे हैं ना कोई
ये अमेरिका से किसी ने कि वो किया, एक आध बयान उन्होंने दे दिए। अच्छा, यूरोपियन यूनियन खुद अपने मसलों में फंसी हुई है, अपने उनके टेररिज्म के मसले हो रहे हैं, ईयू में ब्रेग्जिट की वजह से वो अपनी उसमें ट्रेसा मे का नहीं पता वो कब तक रहे कैसे ना रहे। अब अगर कोई बच गए हैं इस वक्त, मुझे थोड़ी सी एक विंडो ऑफ होप नजर आ रही है पाकिस्तान इंडिया की, हम आके पूरी तफसील करेंगे जो कुछ वाकया हुआ है, जो थोड़ी सी मेरी हुई है वो शहजादा मोहम्मद कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है, इस मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, असेसमेंट है, यकीनन पाकिस्तानी सियासी क्यादत ने, इमरान खान ने और जनरल बाजवा साहब ने इस मामले पे कुछ ना कुछ सऊदी अरेबिया से बात की होगी, उन्होंने शहजादा मोहम्मद से बात की होगी। और पर्टिकुलरली जब शहजादा साहब जो है यहां से इंडिया जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता है कि ये बगैर कोई दुनिया का और मुल्क जो है इनके दरमियान ना पड़े। हम कैपेबल नहीं है, ये खित्ता इस कैपेबल नहीं है कि ये खुद बैठ के मसले हल करे। मैं तो इवन जहां तक कहता हूं खुद को गवर्न करे। हिंदू मुसलमान जो है हमेशा अच्छे तलुकात इनके पते कब रहे हैं, आमिर साहब तारीख का ये रखते हैं, जब इन पे दूसरों ने आगे हुक्मरानी की है, वो अंग्रेज आए हूं, वो मुगल आए हूं, इनसे पहले कुछ वहां से कोई उसमें लोधी आए हूं और डेनेस्टीज आई हूं या उससे पीछे हम कोई और कौम मुसल्लत हुई हो। जब तक इस खित्ते पे बाहर से आने वाले लोगों ने हुकूमत की है, यहां मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तलुकात कंपेरेटिवली बेहतर है। यही दोनों थे इन्होंने जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक या फ्रीडम मूवमेंट थी या जो भी थी इकट्ठा इन्होंने शुरू किया, कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में थे, मिल मिला के किया। आज 70 साल बाद देखें कहां पे चीजें जाके खड़ी है। सो अगर सम टाइम आई फील कि इस खित्ते को पीसफुल रखने के लिए शायद हमें एक्सटर्नल फोर्सेज की जरूरत है जो आए हमें ठीक रखें, इंडिया को ठीक रखें, इस खित्ते को ठीक रखें। अदरवाइज एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी स्टेज पे, वो जो बात उसे चर्चल ने की थी, बड़ी खूबसूरत बुक है आमिर साहब ने भी पढ़ी है, उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, अभी मैं आजकल उसको खत्म करने वाला हूं। आमिर साहब तो चर्चल तो वहां पिटता रह गया था पार्लियामेंट में कि मत दें इसको, हिंदुस्तान को आजादी ना दें, पाकिस्तान वगैरह को ना दें, कि ये इस काबिल ही नहीं है। अच्छा, मैं पहले इसको ना वो समझता था कि वैसे किसी ने उड़ाई हुई है, अब मैंने प्रॉपर पढ़ा है उसको बैठ के, वो हम आगे किसी ने डिटेल से बात करेंगे कि वायसराय वहां पे जो लाया गया था इनको माउंट बैटन को, कि उसके पीछे क्या कहानी थी कि माउंट बैटन को पसंद करता था ये था चर्चल जो है, इसलिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने उसके इस वायसराय को बनाया माउंट बैटन को ताकि चर्चल को राजी करे कि हमने हिंदुस्तान को तकसीम करना है, और चर्चल डटा हुआ था। तो 70 साल बाद तो चर्चल की बातें उसकी सारी ठीक यहां पे सारी आग निकलना शुरू हो गई। सो जो वेस्ट इस वक्त अगर आखिरी की उम्मीद है, वो आखिरी उम्मीद क्लास साहब छोटी सी ब्रेक से वापस वो आए और फिर आमिर साहब से डिटेल चला, अब इसमें क्या हम बात करें। एक ही बात है जो हम पिछले एटलीस्ट आमिर और मैं जो है फॉर मेनी मेनी ईयर जितनी हमारी है उस पर बात करते रहते हैं। इस टेंशन को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स से ऐसे अहम जाविया जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है, छोटी सी ब्रेक से वापस आके इस पर डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। क्लास साहब, वो आप एक आखिरी हल बताने जा रहे थे कि किस तरह से टेंशन को कम किया हुई है। अब सवाल यह है कि ग्रंटर्स जो है पहले माजी में भी थे, वो चीजें भी गारंटीज वहीं की वहीं रह गई हैं। अब शहजादा मोहम्मद दरमियान में कोई पढ़ के इंडिया पाकिस्तान में कोई ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि माजी का ये अदरवाइज लगता यही है जो मैं लास्ट को आमिर साहब इसमें बड़ी बात करे मैं कह चुका हूं, दुनिया ने छोड़ दिया जी वहां के जनाब, आप जाने हिंदुस्तान को कहा है, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान को कहा है आप जाने, और हमें अपने औकात का पता है दोनों मुल्कों का। मैं आपको तरीकी तौर पर बता चुका हूं, तीसरे के बिना नहीं हम आसानी से बैठे, जब तक कोई बाहर से कोई आके ना बैठे ना, तो हम दोनों मुल्क इस काबिल नहीं है, ना इसके अवाम इस काबिल है, ना हमारे डिप्लोमेट्स है, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, तो ना हमारे सियासी या क्लासेज है। मैं दोनों मुल्कों की बात करूं, ना उनके यहां इतनी कैपेसिटी थी कि वो इश्यूज हमारे साथ बैठ के हल कर सकते थे, ना हमारे यहां ये कैपेसिटी थी ना है कि हम बैठ के उनके साथ इशू करते। अब देख शहजादा मोहम्मद ही है जो कुछ अगर कर सकता है तो ही शुड डू दैट। सबसे पहले तो यह है कि इस वक्त लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं जितने हालात थोड़े से संगीन हैं, क्योंकि अच्छी बात कह लें बुरी बात कह लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी में इंडिया का मीडिया नहीं दिखाया जाता, अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ इतनी ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग हो रही है और उनके मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में, समझ भी आता है, इतना बड़ा वाकया तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 40 लोग जाहिर उनके फौजी मारे गए हैं, तो वाकया तो बड़ा है, मगर उसके ऊपर जो जिस तरीके से ये एक प्रेशर सा आ रहा है कि जनाब इसका कोई बदला लिया जाए, और उनके यहाँ बड़े संजीदा लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल शेखर गुप्ता बड़े संजीदा लोगों में से माने जाते हैं, उनका मैं आर्टिकल देख रहा था,
वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने जो समझा हुआ है कि जी न्यूक्लियर बटन इनके पास है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बटन है, और ऑलमोस्ट वो सजेस्ट कर रहे हैं कि टैक्टिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक जो है उस तरह का इम्कान है। याद रहे कि आज तक जितने भी वाकये हुए उनके यहाँ, चाहे वो मुंबई का हुआ, इंडियन पार्लियामेंट पे हुआ, श्रीनगर की असेंबली पे हुआ, जितने भी थे, पाकिस्तान ने आज तक इकरार नहीं किया, हमने इकरार नहीं किया। और कई दफा तो एक आध दफा बनता भी था मुंबई के अंदर फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ शिवायत बहुत ज्यादा थे, मैं इकरार नहीं किया। मगर उनके यहाँ रिसेंटली जो है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक जो सो कॉल्ड उन्होंने कहा था, उन्होंने इकरार नहीं किया, उन्होंने क्रेडिट भी लिया कि हमने कर दिया। और हम कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ऐसा वाकया नहीं हुआ। उनकी तरफ से है कि ये कर दिया है हमने, और ये इस तरह की जो है अगर उसमें इस राह पे, इस रविश पे वो मजीद अगर जा रहे हैं या उनके यहाँ मीडिया बहुत ज्यादा वो कर रहा है, तो ये बड़े हालात संगीन हैं, बड़ी सीरियस बात है। इसलिए हमें बड़े इसके मुतालिक जो है संजीदगी से इन मामलात को देखने की जरूरत है। और जो क्लास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट किया है कि माजी में क्या होता था, जब भी इंडिया पाकिस्तान की कोई टेंशन बढ़ती थी तो हमेशा रशिया से लेके वाशिंगटन, लंदन, हर तरफ वो घंटियां बज जाती थी और एकदम इंटरलोक्यूटर्स आ जाते थे, वो उसको क्लिंटन साहब किसी को भेज देते थे, पुटिन साहब भेज देते थे। और यहाँ थोड़ा सा अभी क्योंकि टाइम्स हैव चेंज, वक्त बदल गए हैं, पाकिस्तान के तो नहीं है, इंडिया की, क्योंकि एक तो लेवरेज बढ़ गई है, तो इंडिया से वो अगर इंडिया एग्रेसिव हो रहा हो तो कोई जो है डरते डरते ही उसको ये कहा जाता है कि जनाब आप होल्ड योर हॉर्सेस। दूसरा है कि इंडिया में ये जो एक तब्दीली आई है कि वो ये पहले हमारे पे ये इल्जाम लगता था कि हम एग्रेसिव होते हैं, हमारे यहाँ वॉर मोंगर्स ज्यादा हैं, अभी उनके यहाँ हैं, उनके यहाँ हैं, और उनकी क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, क्योंकि मोदी वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बीजेपी डेस्परेट है कि इस दफा इलेक्शन बड़े क्लोज नजर आ रहे हैं और उनको कम्युनल करना है, और उनको इलेक्शन अगर हारते हुए इलेक्शन में वो केपेबल है कुछ भी करने का। सो इसलिए हमें बड़े इस वक्त टाइम्स आर वेरी प्रिकेरियस, हमें बड़े गौर से देख के तहमल मजाजी से इस मामलात को निपटना चाहिए। एक गुड जेस्टर्स तो देने होंगे। अभी कुलभूषण से रिलेटेड क्लास बात करनी है। बात में बात करते हैं, आने वाले दिनों में चार दिन केस चलना है। सवाल ये है जो अभी आमिर ने बात की है कि अगर एक एलिमेंट पर दो चार किस्म की बातें हो रही, एक तो ये कह रहे हैं जो उनके अपने उनके अपोनेंट से वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए सब कुछ किया, उनका ममता बनर्जी उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी बड़ा उस पर अटैक किया कि पांच साल तो कुछ नहीं हुआ, पांच साल से कुछ दिन पहले पाकिस्तान का वो आ गया जनाब कि आपने अटैक करवा दिया जब इलेक्शन आपके सर पे, वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो भी कह रही थी। सवाल ये है कि इंडिया में भी सेनर एलिमेंट्स की स्पेस खत्म हो गया सर, क्योंकि वो भी तो बड़े अरसे तक ये जवाब दे के पीस करें, चीजें नहीं डिलीवर हुई सारी की सारी। एक यहां पर दूसरी ये चीज ये है कि पीस की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तो हमें है इस वक्त, कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये चीज करना कि सऊदी किंग जिस दिन आ रहा है पाकिस्तान में, ये आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल, मतलब व्हाई शुड वी डू इट एंड नाउ। लेकिन सवाल एक और है जो पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही, अगर ये उनका अपना वो ऑर्केस्ट्रा है और खुद वो चीजें उनपे भी उनके भी अपोनेंट्स ये मजाक ने उनपे आके इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो कौन से ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में बैठ के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? एक उनका अच्छा बहुत सारी बड़ी हद तक पिछले अरसे से ये इवन इंडियन मीडिया मानता है, इंडियन पॉलिटिशियन मानते हैं कि अब वहां पे होम ग्राउंड जो उनके अपने उनके लोग हैं वो लड़े हैं, जो है काफी वानी से लेके अब तक जितने भी पकड़े गए हैं वो तमाम इंडिजिनस है। इवन ये पुलवामा का इस पे इंडिया ने भी ये नहीं लगाई, ये कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। याद रहे कि जैश ए मोहम्मद वहां की जो है दो चार वो भी इंडिजिनस उनकी हो गई हुई, उनके विंग्स हो गए हुए, अभी पाकिस्तान के साथ उनको सबूत देने होंगे कि ये इनका लिंक है। इस पे हमें मेरा ख्याल फॉरन ऑफिस को या हमारे उनको डीजी हमारे ASPR वगैरह, इट्स सीरियस काम हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसको किसी का एहसास नहीं है, नहीं होगा, फेयर एनफ, हमारे लिए बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। एक किसी को बैठ के चीजें फिर आवाम को या दुनिया को बतानी चाहिए थी कि ये ग्रुप्स जो आपकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इंडिजिनियस हैं, वो कश्मीर में उन्होंने उसकी ब्रांच फ्रेंचाइज बना लिया, उन्होंने वो उसको एक्सेप्टेंस कर लें, या पाकिस्तान में कोई बैठे हुए जिनको बैंड है पाकिस्तान में उनकी एक्टिविटी नहीं कर सकते, या उनमें से किसी ने एक्सेप्ट किया? अभी तक मैं कंफ्यूज हूं ऐसे कि यहां से किया गया एक्सेप्शन थी कि ये या वहां कश्मीर से की गई, वहां से की गई, तो फिर आपको यहां बैठ के हमारा ये कहना है, फॉरेन ऑफिस का ये कहना है
कि जनाब ये हमने यहाँ पे बैन कर दिया है, हमारे यहाँ पे वो नहीं है, तो जो माना गया है, जो जिम्मेदारी ली गई है जैश मोहम्मद, वो कश्मीर चैप्टर में ली, तो लिहाजा ये हमारे लिए खुद अपने लिए जरूरी है कि हम अपने आप को, क्योंकि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया आने को तैयार नहीं है, दरमियान में दुनिया वो थक हार के अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि यार ये गारंटीज हम देते हैं, चीजें होती हैं नहीं होती। इस वक्त हमें इन्वेस्टर की जरूरत है। इमरान खान जिस तरह का उनका कंसेप्ट है जो कि ठीक है कि टूरिज्म आना है पाकिस्तान में, बस सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है। अगर हमारी तरफ से होस्टाइल एक एटीट्यूड एक रहता है तो फिर तो जो इनके या इनके मोदी साहब के जो क्रिटिक्स हैं वो तो ठीक कह रहे हैं कि जितना यहां पर उनको मोदी साहब एंगेज होंगे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान उनके साथ एंगेज होगा तो मोदी साहब को तो इसमें पूरे का पूरा फायदा नजर आता है। सो हमें यह देखना है कि हमने अगले 5-6 महीने जो हैं इसको कैसे देखना है, कितना देखना है। और लास्टली ये मैं तो बहुत पहले मेरा ख्याल है, मैं आपकी सर हल्की सी ऐड कर दूं, ये आपका आर्गुमेंट हमेशा रह गया होता है कि इन्हीं जैसे मौके की वजह से हम कहते हैं कि हम इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को कर्व करके रखेंगे, जब ये वाकया हो तो हमारे पे उंगली ना आए। ये आज से पहले ही वो सारे इकदाम कर लिए होते, हमने ये इन तंजीमों को, कलदम तंजीमों को कर्व करने की, कटेल करने की, तो ये इल्जाम ना आता। और आने वाले के लिए, क्योंकि अब हम अगर टेक ऑफ करने जा रहे हैं और हमारी पॉलिसी है कि जनाब हमने जो है ना अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है और हमने बयानियां ठीक करना है, तो फिर इससे डी लिंक करना पड़ेगा, डी लिंक। और दूसरा जो एक बड़ी, अब इंडिया में जो मतलब हम जो देख रहे हैं या रीड कर रहे हैं, मोदी साहब के लिए या उनकी सोसाइटी के लिए दो प्रॉब्लम बड़े आ रहे हैं। जिस लेवल की हाइप वहां पे क्रिएट की गई है, इवन वहां पे कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उन पे भी अटैक किए गए हैं, बिजनेसमैन है उनको भी मारा गया। खैर एक बड़ा तबका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने आके उनको उनको सपोर्ट देने की कोशिश भी की है। इंडियन सोसाइटी में जितनी वहां पे आपको नजर आ रही ना वहां पे हाइप, उसके दो चीजें होंगी, या मोदी साहब को पाकिस्तान के साथ उसी तरह का काम करना पड़ेगा जिससे मुझे खतरात फील हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये जो है आपकी टेंशन है बढ़ सकती है, कोई खुदा ना खास्ता अनएक्सपेक्टेड किस्म के इवेंट्स हो सकते हैं इस खत्ते में। और दोनों मुल्कों के साथ मैं फिर कह रहा हूं हमारे साथ प्रॉब्लम है दोनों मुल्कों के सीरियस किस्म के, और अगर वो नहीं करते पाकिस्तान के साथ एंगेज होते तो उनकी सोसाइटी जिस लेवल पे पहुंच उन्होंने पहुंचा दी है तो वहां पे तो वो अटैक शुरू हो गए, सिविल एक अनरेस्ट है उनका, उसमें मुसलमान है या दीगर जो लोग हैं तो उनपे अटैक्स उनपे बढ़ेंगे। सो इंडिया के लिए इन्होंने इलेक्शन से पहले जो हमें मेरा ख्याल है बैठ के इस मामले को बड़ा संजीदगी से देखने की जरूरत है, इसको महज इंडिया का इंटरनल मसला देख के दूर से बैठना हमें सूट नहीं करेगा। सो हमें इस पे बड़ा क्लियर एक स्टांस लेके इसमें इमरान खान साहब और हमारे हमारे जो आर्मी चीफ हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं। ये इश्यू आपके आपके नेबर में अगर अगर इतनी बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट हो रही है, अब तक मेरा ख्याल है चले अब तक तो बिजी थे क्योंकि यहां पे उसमें शहजादा साहब आए हुए थे, आपको कल परसों नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला के इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए। इंडिया को आप फिर अगर मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेज भेजते हैं जनाब के आप, आपको याद है जब वहां पे इनका अटैक मुंबई अटैक हुए थे, पाकिस्तान ने ऑफर की थी कि हम डीजीआईएस से भेजने को तैयार हैं, उस वक्त जनरल शुजा पासे साहब थे, गिलानी साहब थे, आपको बैठ कर रिव्यू करना चाहिए। अगर उनके जहन में ऐसी चीजें जो मेरा ख्याल है तो इस वक्त पाकिस्तान इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकता कि सऊदी किंग आ रहे हैं, हम पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम वहां से इन्वेस्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का कोई वाकया हम जानबूझ के प्लान करें कि आप वहां पे कश्मीर में ये करें, अक्ल को बात नहीं लगती। लेकिन इवन देन ये हमारी टॉप पॉलिटिकल और हमारी यहाँ सियासी जो हमारी जमातें हैं और फौज, इनको नेशनल सिक्योरिटी में बैठ के रिव्यू करके कोई मैसेजेस इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडिया को भेजने चाहिए। इजलास बुला लिया गया, अभी तक खबर ये आ गई है बड़ी अच्छी बात है, और ये है कि यहाँ से जो भी हमने यक जमात और एक बिल्कुल मुत्तफिका किस्म का मैसेज जाना चाहिए पब्लिक के लिए भी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, मुत्तफिका हमें यहाँ पे सोच विचार करके इसको देख के और एक बिल्कुल उसमें नजर ना दराड़े नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की यहाँ दराड़े नजर आ रही हैं, वो दराड़ों के अंदर नुकसान हो जाता है। लेकिन लास्टली रखें कि थोड़ी चीजें जो हमें क्लीन करने वाले को अपना घर हम भी ठीक रखें, अब हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, नौकरियां चाहिए, इस मुल्क को पीस चाहिए भाई।